Now here the title is are the chords at various levels connected with one another. जो कि हमने courts देखी कि पहले तालुका court होता है, फिर district court होता है, फिर high court और फिर supreme court. तो ये सारी क्या एक दूसरे से connected हैं? Yes, they are. हाँ वो connected है. To understand this, let's understand the procedure of filing a petition. अब इस procedure को समझने के लिए हम एक filing petition की जो procedure होती है उसे हम समझेंगे. If an individual finds the judgment given by the low court not satisfactory, then he or she can file a petition in the upper court. तो अगर किसी ने कुछ केस किया था, ठीक है, लोअर कोर्ट में, यानी कि तालुका में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं भी, तो अगर उसने केस किया था और उसे जो इंसाफ मिला, वो इंसाफ अगर उसे ऐसा लगे कि वो इंसाफ उसके हक में नहीं है, तो वो उसके ऊपर की कोर्ट में भी जो है केस दर्ज कर सकता है. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट्स डिस्कस अ केस. एक केस जो है उसे हम डिस्कस करेंगे. देर वर फ्यू हाउसेज इन द साउथर्न डायरेक्शन वेयर रतलाम म्यूनसिपालिटी हैड कंस्ट्रक्टेड रोड. बहुत सारे घर थे साउथर्न डायरेक्शन में जहाँ पर रतलाम म्यूनसिपालिटी ने जो है रोड कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था. बिहाइंड दीज हाउसेज वॉज एन ओल्ड रोड लीडिंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज. और उन घरों के पीछे का रास्ता जो था वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाता था, जो कि पुराना रास्ता था. नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू म्यूनसिपालिटी रोड रैन अ कलवर्ट ऑफ डर्टी वाटर. तो पुराने और नए म्यूनसिपालिटी रोड के पास गंदे पानी के जो है वहाँ बहाव था. इंडस्ट्रीज रिलीज डर्टी वाटर इन्फेस्टेड विथ केमिकल्स इन दिस कलवर्ट. और उस जो है खाड़ी जैसे जो एरिया था वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज अपना गंदा पानी और केमिकल्स जो है निकालते थे. इट हैड बिकम द सोर्स ऑफ फाउल स्मेल एंड मॉस्किटोस. तो और इस वजह से जो है वहाँ पे बहुत सारी गंदी स्मेल, ठीक है, और मॉस्किटोस यानी कि मच्छर भर गए थे. स्लम ड्वेलर्स आंसर्ड द नेचुरल कॉल्स बाय द साइड्स ऑफ दिस कलवर्ट. और स्लम एरिया के जो झुपड़पट्टी के लोग थे वो जो है टॉयलेट और वॉशरूम ये सब काम जो है उसी एरिया में करते थे. द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड फेल्ड इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोस. और हेल्थ डिपार्टमेंट जो थे वो मॉस्किटोस कंट्रोल करने में फेल हो गए थे. द रेसिडेंट्स हैड रिपीटेडली रिटन एप्लीकेशन to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it too. और जो रहवासी थे वहाँ के रहने वाले लोगों ने उन्हें बहुत बार वहाँ पर एप्लीकेशंस दी थी, अर्जी दी थी कि ये सारा जो गंदा है ये सब हटा दिया जाए, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसकी भी कोई केयर नहीं की थी. एज अ रिजल्ट द रेसिडेंट्स अपील्ड इन द तालुका कोर्ट. और इस वजह से जो है फिर वहाँ के लोगों ने तालुका कोर्ट में अपील किया, ठीक है. नाउ कोर्ट ऑफ द सब डिविजन मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट गेव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ द रेसिडेंट्स. तो मैजिस्ट्रेट जो है जज ने लोगों के हित में इंसाफ दिया था. जजमेंट वर्डिक्ट बाय द तालुका कोर्ट. तालुका कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो म्यूनसिपालिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड इन द ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस. बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्डर्ड टू क्लींस द प्लेस विद इमीडिएट इफेक्ट. विद इन 15 डेज द वर्क ऑफ अ क्लोज ड्रेनेज शुड बी कम्प्लीटेड. तो वहाँ से तालुका कोर्ट से क्या जजमेंट मिला था कि 15 दिन के अंदर ये कामकाज कंप्लीट कर देना चाहिए, सारी गंदगी साफ़ होनी चाहिए और पूरी जगह जो है क्लीन हो जानी चाहिए, ठीक है. नाउ द म्यूनसिपालिटी चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जजमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अब म्यूनसिपालिटी ने जो है वो जगह के लिए रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया था. देखिए, क्योंकि लोगों को उससे तकलीफ हो रही थी, लेकिन जो है दूसरे जो गंदगी और सब निकालते वो फिर वहाँ नहीं जाते तो कहाँ जाते, ठीक है ना. नाउ द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज़ डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है तालुका कोर्ट का जो जजमेंट था वो अनफेयर डिक्लेयर हुआ. द रेसिडेंट्स चैलेंज द वर्डिक्ट इन द हाई कोर्ट. द हाई कोर्ट सस्टेन द वर्डिक्ट ऑफ द तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट. अब वहाँ पर जो है फिर इस केस को हाई कोर्ट में ले जाया गया. फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 months टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days. तो अब वहाँ सिर्फ 15 दिन के बदले 7 महीने का टाइम दिया गया. द पिट शुड बी फील्ड विथ सॉइल टू स्टॉप द वाटर एक्यूमुलेशन एंड मॉस्किटोज ब्रीडिंग. ऑल वर्क शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 2 years. तो वहाँ पे जो है ज़मीन को इस तरह से बनाया जाए कि वो जो है पानी का निकाल
पानी जो है वहाँ पे जमा ना रहे और उससे मच्छर ना हो, और ये सारा काम जो है 2 साल में हो जाना चाहिए। नाउ रतलाम म्यूनसिपाल्टी वॉज अनहैप्पी विद द वर्डिक्ट एंड सो इट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। अब रतलाम म्यूनसिपाल्टी का जो है वो ये जजमेंट भी नहीं ठीक लगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। द सुप्रीम कोर्ट सस्टेन्ड द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर दैट The chemical and the dye plants which were responsible for the pollution should be closed with the joint effort of the municipality and the state government. तो उन्होंने क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस वजह से ये सब फैल रहा है वो केमिकल और वो डाई प्लांट्स जो है वो सब जो है बंद होने चाहिए, उनसे जो प्रदूषण आ रहा है वो बंद कर देना चाहिए क्योंकि वही जवाबदार है ये सब के लिए। ठीक, वो तो कचरा निकालते रहेंगे, प्रॉब्लम ये होती है कि कचरा डालना कहाँ, ठीक है ना, तो वो जो है उसी को बंद कर दिया जाए म्यूनसिपाल्टी और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, वो दोनों ही मिलकर उसको बंद कर देंगे तो फिर कोई गंदगी, कोई प्रॉब्लम, कोई केमिकल बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चारों कोर्ट का जो है इंसाफ हम देख सकते हैं, अगर एक से नहीं तो दूसरे से नहीं तो तीसरे से, इस तरह से लास्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है वो हमें कुछ भी करके मानना ही पड़ता है। ठीक है, सो नाउ लास्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।